सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो मैं मेरी कार का जो बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला हूँ। तो बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे कैसे, कि सबसे पहले तो मैं इसकी वॉशिंग करवाऊंगा, ठीक है। वॉशिंग करवाने के बाद हम जाएंगे इसमें रूट्स लगवाने, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने थंबनेल देख ली है, ठीक है। तो अभी चलते हैं बाहर और वहाँ बाहर चल के आपसे बात करते हैं। सो गाइज, अब हम निकल चुके हैं अपने घर से, ठीक है। और अभी मैं इसकी सबसे पहले तो वॉशिंग कराऊंगा, ठीक है। वो वैसे हम पूछ लें कि पहले वॉशिंग करा लिया पहले वो जो है ओरन का काम होगा, क्योंकि अगर पहले ओरन का काम हो जाता है और फिर वॉशिंग कराऊंगा तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए पानी वगैरह लग के, ठीक है। तो अभी हम निकल चुके हैं और अभी चलते हैं सीधा मार्केट में, वहाँ चल के आपसे बात करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस, आ चुके हैं अभी वॉशिंग करवाने, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा सा माहौल। और ये शीशा भी आप देख सकते हैं कितना, मतलब हद गंदी हो रखी, जो हद होती है ना वो हद हो रखी है, ठीक है। तो अभी करवाते हैं वॉशिंग, ठीक है। वॉशिंग की मैं आपसे शेयर करता हूँ वीडियो, फिर आगे मिलते हैं। वो भैया बोल रहे थे कि जो ओरन की जो कोई गारंटी नहीं होती, तो गारंटी वगैरह जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि पहले वॉशिंग करा लेते हैं, क्योंकि बाद में अगर ओरन पे जो पानी लग जाएगा तो क्या पता ख़राब भी हो जाए। तो अभी पहले वॉशिंग करवा लेते हैं, फिर बात करते हैं।
तो गाइस वॉशिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि मतलब बिल्कुल शाइन आ गई है, पहले तो कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रखी थी, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसमें रूट्स लगवाने, और बाकी आप देख सकते हैं किस टाइप से मतलब शाइन वगैरह आई है। वैसे धूप में दिख नहीं रहा होगा, अब चलते हैं रूट्स लगवाने। तो गाइस वैसे तो मैं आ चुका हूँ रूट्स लगवाने के लिए, ठीक है। जो मतलब जो मैकेनिक भैया हैं वो अभी तक आए नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि 10-15 मिनट लगेगी, फिर जो है बम्पर खुलेगा, उसके बाद जो है फिट होगा। और ये कुछ पत्ती वगैरह काम बता रहे हैं कि अगर पत्ती का काम हुआ तो टाइम लगेगा, नहीं तो आधे घंटे में लग जाएंगे, ठीक है। मैं अभी शॉप पर ही खड़ा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो बाहर, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं थोड़ी देर। अभी करंट जो है टाइम हो रहा है 12:42, और मैं 10:30 मैं 11 बजे आ गया था, ठीक है। फिर मैंने वॉशिंग वगैरह करवाई है और अब मैं यहाँ आके खड़ा हो गया हूँ। तो अभी वो आएंगे, जब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, फिर आगे बताते हैं। A few moments later. तो गाइस अभी अपना काम जो शुरू हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये रहे अपने मेगासोनिक, और अभी ये ऑरेंज इसमें लग रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ जब तक बम्पर वगैरह सब कुछ खुल जाता है, और फिटिंग के टाइम पर मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस अभी ये बता रहे हैं कि जो मेगासोनिक है वो इसमें लगेंगे नहीं बीच में, तो इस साइड जो ये टंकी है, ठीक है, और उस साइड जो खाली स्पेस है, तो मतलब दोनों जो वरना वो राइट साइड लगेंगे, ठीक है। तो गाइस ये जो है बिल्कुल ओरिजिनल रूट्स के होना है, क्योंकि यहाँ इस पर बैजिंग है, इतने मेगासोनिक है, ठीक है, और यहाँ भी इस पर रूट्स की बैजिंग दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी ये प्लेट है, ये पूरी स्टील की है, ठीक है, मतलब ये पूरे ओरिजिनल है, और ये इस पर ISI मार्क भी है, ठीक है। तो गाइस ओरन जो है फिट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे एक तो ये है, और एक इसके बिल्कुल अपोजिट लगा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ है, ठीक है। तो ये दोनों ओरन यहाँ फिट हो चुके हैं, अब बस वायरिंग का काम रहता है, ठीक है। तो वायरिंग का काम हो जाता है, फिर मैं आपको एक बार इसकी साउंड चेक करवा देता हूँ। तो गाइस ये लग चुके हैं, लग चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको साउंड भी सुना दिया है, अब मैं एक बार केबिन के अंदर से सुना देता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसी साउंड आती है, ठीक है। और ये दोनों जो है लेफ्ट साइड में फिट हुए हुए हैं, तो थोड़ी सी जो साउंड है वो लेफ्ट की साइड जा रही है, ठीक है। अभी आपसे घर जाके बात करता हूँ। तो गाइस अब मैं घर पे आ चुका हूँ, ठीक है। और अब जो करंट टाइम हो रहा है वो है 2:48, लगभग 2 घंटे हो गए मेरे को, ठीक है। और ये कार खड़ी है यहीं पे, रूट्स इसमें लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। ये आप देख सकते हैं, आपको रूट्स दिख रहे होंगे यहाँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी आपको साउंड सुनवा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो भाई मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, अभी बजाता हूँ मैं। तो आपने साउंड सुन लिया है, और जो वीडियो मैंने बनाई है वो मतलब मैं आपको बताता हूँ पार्ट्स में बनी है, ठीक है, छोटे छोटे कुछ कुछ सेकंड के पार्ट।